Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Class 3rd, subject Maths, chapter 1st, numbers up to 10th orders. Exercise 1.1, page number 12. आज हम numbers पढ़ने जा रहे हैं. Numbers के अंदर हमें सबसे पहले नंबर समझने के लिए इंडियन सिस्टम समझना होगा. हालांकि इंटरनेशनल समझना भी जरूरी है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है और बड़ी क्लास में आएगा, इसलिए अभी आपको तो केवल इंडियन सिस्टम समझना है. इंडियन सिस्टम बहुत सीधा सा है, ध्यान से समझना. देखो, सबसे पहले ये अपन ने एक टेबल तैयार कर ली. इसमें इधर से 4 कॉलम बनेंगे, ऊपर से 10 कॉलम बनेंगे, और इन 10 कॉलम के अंदर भी ये ध्यान रखना है आपको. ऊपर वाले पास लास्ट में देखिए, केवल यहाँ पीरियड शो करना है ओनली पहली लाइन, और तीनों कॉलम खाली छोड़ना है, और सेकंड में ये कॉलम आपको खाली छोड़ना है. क्या करना है, बस कॉलम खाली छोड़ना है, इसमें वन लिखना है. यहाँ तक याद रह गया होगा आपको. अब ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा होता है ये आपको याद होना चाहिए. मैं बता देता हूं, 9 एक ग्रेटेस्ट डिजिट. 1 डिजिट लेना है तो 9, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट लेना है तो 99, 3 डिजिट लेना है तो 999, ऐसे चलता रहेगा. तो अपन को करना क्या है, सबसे पहले हमें इस कॉलम के अंदर ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर लेना है. क्या लेना है, 1 डिजिट नंबर. फिर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लेंगे, फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लेंगे, फिर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लेंगे, फिर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट लेंगे, फिर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लेंगे, फिर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लेंगे, फिर ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर लेंगे. मतलब एक एक डिजिट हर कॉलम में बढ़ाते जाएगा. और सेकंड स्टेप आपको ये याद रखनी है कि सब में 1 प्लस करना है. देखो ध्यान से, इस टेबल में सब में मैंने 1 प्लस कर रखा. प्लस करने से जो संख्या आएगी वो सामने वाले कॉलम में, जैसे 9 और 1 10, 99 प्लस 1 100, 999 प्लस 1 1000. समझ में आ गया ना, बस ये प्लस करके यहाँ लिखेंगे. 1000 के बाद में 10000 आएंगे प्लस करने से, 1 लेख आएंगे, 10 लेख आएंगे, 1 करोड़ आएंगे, और 10 करोड़. यहाँ तक आपको मेरा मानना होगा समझ में आ गया. कुछ नहीं, सब में 1 1 प्लस करना. सेकंड चीज के लिए आप याद रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हैं, 1 10, यहाँ से एड करने से इसमें 1 ही 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें 3 0 है, इसमें 4 0 लगा दे, इसमें 5 0 लगा दे, इसमें 6 0 लगा दे, इसमें 7 0 लगा दे, इसमें 8 0 लगा दे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं. क्लियर? अब करना क्या है, आपको यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से लिख दिया, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 से लिख दिया, यहाँ 100 है तो यहाँ 100 से लिख दिया, यहाँ 1000 है तो यहाँ 1000 से लिख दिया. ठीक है, यहाँ 10000 है तो यहाँ 10000 से लिख दिया, यहाँ 1 लेख है तो यहाँ लेख से लिख दिया, यहाँ 10 लेख है तो यहाँ 10 लेख से लिख दिया, यहाँ 1 करोड़ है तो यहाँ करोड़ से लिख दिया, और यहाँ 10 करोड़ है तो 10 करोड़ से लिख दिया. यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा. अब आगे पीरियड समझेंगे. आप पीरियड मेन है, पीरियड याद रखना जरूरी है. पहले 3 डिजिट में के बाद कॉमा लगता है, इसलिए पहले पीरियड को हम 1 पीरियड बोलते हैं. इंडियन सिस्टम के अंदर ये याद रखना, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, इसके बाद में हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा, तो इसको पीरियड को हम 1000 और 10000 को क्या कहेंगे, 1000s. लेख और 10 लेख की जगह हम पीरियड लिख देंगे लेख्स. करोड़ और 10 करोड़ की जगह पीरियड लिख देंगे हम करोड़. ये आपकी एक टेबल तैयार हो गई. इस टेबल को पूरी तरह याद रखना है आप इस चैप्टर के अंदर. याद रखते हुए यदि क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा. एडीएन सिस्टम के बाद में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे. जैसे कि यह लिखा हुआ है, राइट द नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लैग, राइट द नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लैग. समझ में आ गया, इसका मीन्स होता है
जैसे चलते हैं 6512, सबसे पहले चलते हैं हम 12 ऐसे लिखते हैं, फिर चलते हैं हम 512 या 512 ऐसे ही लिखते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं 6000। तो यहाँ 1000 ही ग्रेड है, आपको पता है पास ग्रेड में वंश में केवल 3 डिजिट आते हैं, जैसे ही चौथा डिजिट आएगा 1000 ग्रेड में आएगा, तो 1000 मतलब 6512 हम लिखते हैं। क्लियर? 8405, सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, 405 लिखने के लिए आपको पता है 100 थर्ड नंबर पे टेबल का अंदर थर्ड नंबर पर 1 10 100, तो थर्ड नंबर पे ये 100 वाला डिजिट हम लिखेंगे 400, तो ये हो गया अपना 405। और चौथा डिजिट होता है 1000 पीरियड, पीरियड के अंदर चौथा डिजिट आता है, तो ये चौथे नंबर पर हम एड लिख देंगे, तो 8405 देखो 1 10 100, 1 का मतलब 5, 10 का मतलब कुछ है ही नहीं तो 0, और 100 का मतलब 400, और 1000 का मतलब 8000, तो 8405। क्लियर? अब चलते हैं हम सी क्वेश्चन पे, 2908, सबसे पहले इसमें भी 8 आ रहा है, लिख दिया। अब 10 पीरियड में कुछ है ही नहीं इसमें, सीधा 100 पीरियड में 908, तो 1700 मतलब 908 आ चुका है। अब 2000 पीरियड में क्या हो गया, 2, तो 2000, तो 2908। क्लियर? अब आगे चलते हैं 9835, अब इसमें सारे डिजिट 35 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 835, तो थर्ड पीरियड 100 का होता है थर्ड डिजिट, तो यहाँ 835 और 9004 डिजिट 1000 वाला होता है, तो 9835, क्योंकि देखो 1 10 100, 100 पर आता है थर्ड डिजिट 1000 के स्थान पे 900। अब अगला क्वेश्चन है 5989, सबसे पहले हम 89 लिखेंगे, लिख दिया। अब 900 थर्ड डिजिट आता है 100 का, तो ये तीनों डिजिट है 989। क्लियर? अब चलते हैं 5000, जो तक डिजिट 1000 वाला होता है, तो 5989, ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको मेरा यहाँ तक मानना है। थैंक यू वेरी नाइस, आज के लिए इतना ही काफी।